हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में यह टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और पैरामेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रग के नेम रूट और यूजेस के बारे में क्योंकि डोज के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एम्पुल और वाइल के अंदर अलग अलग डोज होती है तो सबसे पहले फर्स्ट इंजेक्शन देखेंगे इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट सेकेंड इंजेक्शन है मिडाजोलम नेक्स्ट थर्ड वन पोटेशियम क्लोराइड नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डेक्स्ट्रोस 25 परसेंट नेक्स्ट इंजेक्शन एनएस 3 परसेंट इसके बाद इंजेक्शन एड्र नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग है इंजेक्शन प्रोपोफोल नेक्स्ट इंजेक्शन विटामिन के नेक्स्ट इंजेक्शन एविल एविल का सेकेंड नाम है फेनरामाइन एविल एक ब्रांड नेम है और कंटेंट नेम होता है फेनेरामाइन नेक्स्ट इंजेक्शन ट्रिनेग्जाम एसिड नेक्स्ट इंजेक्शन मेनिटोल एंड इंजेक्शन डोपामिन इन इंजेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वन है इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एट्रोपिन सल्फेट इस तरीके का होता है और एम्पुल के रूप में भी होता है तो सबसे पहले रूट की बात करें तो आई एम रूट आईवी रूट और एस सी रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस और सबक्यूटे रूट से इसको एडमिस्ट्रेट कर सकते हैं नेक्स्ट यूजेस की बात करें वेन हार्ट बीट स्लो यानी कि ब्रेडी कार्डिया की, की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है ये एक एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का तो ये थी हमारी फर्स्ट इमरजेंसी ड्रग सेकेंड है इंजेक्शन मिडाजोलम जिसका रूट होता है आईएम और आईवी यानी कि इंट्रा मस्कुलर और इंट्रावीनस यूजेस की बात करें तो एक्ट लाइक एनेस्थेशिया और रिलीफ एंजाइटी इसका यूज एनेस्थेसिया के रूप में और एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है मिडाजोलम का ठीक है तो ये थी हमारी सेकेंड इमरजेंसी ड्रग इन मेडिकेशन को हाई रिस्क मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट थर्ड वन है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड इसका रूट कौन सा है आईवी इन्फ्यूजन इसको सिर्फ आईवी इन्फ्यूजन के रूप में ही एडमिस्टेड करते हैं नेक्स्ट यूजेस की बात करें इट इज यूज टू ट्रीट पोटेशियम क्लोराइड डेफिशिएंसी इन बॉडी बॉडी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो ये थी हमारी थर्ड इमरजेंसी ड्रग नेक्स्ट मेडिकेशन है इंजेक्शन डेक्सट्रोज ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका रूट होता है आईवी इन्फ्यूजन ओनली जैसे कि आपको ड्रिप में दिखाई दे रही है तो हम इसको आईवी इन्फ्यूजन के रूप में ही देंगे नेक्स्ट इसका यूजेस इट इज यूज टू ट्रीट हाइपो एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्लूट लॉस यानी कि हाइपो की जो कंडीशन होती है यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो इसको इंक्रीज करने के लिए डेक्स्ट्रोस 25 परसेंट देते हैं और बॉडी के अंदर जो फ्लूट लॉस हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो ये था हमारा फोर्थ इमरजेंसी ड्रग नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन एनएस थ्री परसेंट यानी किसेंट सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर 3%, है, अंदर ठीक है 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 नॉर्मल जो होती उसके होता तो इसका रूट कौन सा हो गया आईवी इन्फ्यूजन ओनली इसको सिर्फ और सिर्फ आईवी इन्फ्यूजन के रूप में ही देते हैं नेक्स्ट यूजेस की बात करें इट इज यूज्ड टू ट्रीट शॉर्ट टर्म फ्लू रिप्लेसमेंट यानी कि शॉर्ट टर्म के फ्लूट रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन कंडीशन और डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन एड्रेनलिन जिसको हम एफिनेप्रिन के नाम से भी जानते हैं इसका रूट कौन सा हो गया आई एम एच सी और आई वी यानी कि इंट्रामस्क्यूलर सबक्यूटेनस और इंट्रावीनस इंट्रावीनस हम कब देंगे डाइल्यूट होने के बाद यूजर्स की बात करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम ड्रग देते हैं नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन प्रोपोफुल ठीक है इसका रूट कौन सा हो गया आईवी यूज ओनली ये भी इंजेक्शन आईवी रूट के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे यूजर्स की बात करें इट इज यूज्ड टू ट्रीट पुट

Uses की बात करें मोस्ट कॉमनली यूज टू ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम इसका मोस्ट कॉमनली यूज क्या है ब्लड क्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन एविल या फिर फेंद्रामाइन भी कह सकते हैं इसका रूट है आई एम और आईवी वी की बात करें तो टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन ऑल एलर्जिक जो रिएक्शन होते हैं उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रेनेग्जामिक एसिड यानी कि ट्रेनेग्जा रूट की बात करें तो आईवी यूज ओनली आईवी के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं यूजेस की बात करें टू ट्रीट कंट्रोल और प्रीवेंट एक्सेसिव और ब्लीडिंग एक्सेसिव और ब्लीडिंग को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेग्जामिक एसिड देते हैं नेक्स्ट है इंजेक्शन मेनिटोल इसका रूट कौन सा है आईवी यूज ओनली यह इंजेक्शन भी आईवी यूज ओनली एडमिनिस्ट्रेट होता है यूजेस की बात करें टू ट्रीट रेड्यूस स्वेलिंग एंड प्रेशर इन साइड द आईज और अराउंड द ब्रेन यानी कि इंट्रा क्रेनियल प्रेशर और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर में यदि स्वेलिंग होती है तो उस कंडीशन में हम मेनिटोल इंजेक्शन का यूज करते हैं यानी कि एक तरह से ड्रिप होती है उसका यूज करते हैं ताकि स्वेलिंग को या फिर एडिमा को कम कर सके नेक्स्ट है इंजेक्शन डोपामिन इसका रूट कौन सा होता है आईवी यूज ओनली इसको सिर्फ और सिर्फ आईवी यूज ही देते हैं यूजेस क्या है इसके टू ट्रीट शोक एंड लो ब्लड प्रेशर कोज बाय हार्ट अटैक और ट्रोमा हार्ट अटैक और ट्रोमा के कारण यदि लो ब्लड प्रेशर हुआ है या फिर शोक की कंडीशन हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए डोपामिन इंजेक्शन देते हैं तो ये थे कुछ इमरजेंसी ड्रग्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी कॉमनली यूज होने वाली मेडिकेशन जनरल मेडिकेशन और कौन सी मेडिकेशन किस काम आती है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से जाके आप देख सकते हैं थैंक यू